अब यहां से साथियों दूसरा हिस्सा शुरू होता है प्रादेशिक राष्ट्रवाद के फल, जिसमें पहली हेडिंग है दिशा भ्रष्ट देशभक्ति। और इसमें ये बताते हैं कि हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध दो तरीके के आंदोलन उठ खड़े हुए थे। एक था क्रांतिकारी आंदोलन, जो सशस्त्र क्रांति करना चाहता था, जिसने हथियार उठा लिए थे, और दूसरा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन, जो निष्क्रिय आंदोलन था। ये जो दो तरीके का विरोध था, इसमें अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार से था, इस पर हम विचार करते हैं। क्रांतिकारी जो नेता थे, उन्होंने गुप्त केंद्रों पर अलग अलग जगह पर हथियारों का जाल बनाया हुआ था। अपने जीवन का बलिदान देने वाली देशभक्त वीरों की टोलियों का एक जाल फैला हुआ था क्रांतिकारियों के रूप में। किंतु उसमें भी बहुत सारे देशद्रोही थे, जो उनके ठिकाने का पता बता देते थे, जिससे उनके ऊपर हमले होते थे। इसके साथ ही साथियों इन क्रांतिकारियों को वो इतिहास के साथ जोड़ते हैं, और वो कहते हैं कि राष्ट्र जीवन में जो पुराने जो क्रांतिकारी थे या पुराने जो उनके आदर्श थे, जिसमें वो सावरकर का नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, शिवाजी का नाम लेते हैं, इस तरीके से नाम लेकर के इसको हिंदू धर्म के साथ जोड़ते हैं, हिंदू दर्शन के साथ जोड़ते हैं। हमको साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ था, ये यथार्थ है कि शुरुआती जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो धर्म से ओतपोत था। चाहे वो महाराष्ट्र का जो क्रांतिकारी आंदोलन हो या बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन हो, शुरुआती जो आंदोलन था वो धर्म से ओतपोत था। यानी उसके उसको उनके जो साथ जुड़े हुए थे वो भारत माता की कसम खा करके धर्म के साथ, वो इनका ध्येय ये था कि हमारे देश को भारत माता को आज़ाद करा करके हिंदू धर्म से हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे। तो इस तरीके की धारणा के साथ क्रांतिकारियों का शुरुआती ग्रुप था। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि 1917 में रूस की क्रांति हुई, और रूस की क्रांति होने के बाद ये जो क्रांतिकारी दल था, तो ये जो रूस की क्रांति के बाद से जो साम्यवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए जो क्रांतिकारी थे वो उसकी तरफ चले गए, और उन्होंने ये तय कर लिया कि हमारे देश के अंदर अब हम क्रांति करके समाजवादी व्यवस्था का कायम करेंगे। क्योंकि उस समय दुनिया में राजाशाही व्यवस्थाओं को ख़त्म हो करके दो तरीके की व्यवस्थाएं कायम हो रही थी, कुछ जगह पूंजीवादी व्यवस्थाएं कायम हो रही थी, कुछ जगह समाजवादी व्यवस्थाएं कायम हो रही थी। तो हमारे देश के अंदर जो क्रांतिकारी थे 1917 के बाद, उन्होंने तय किया कि हम हमारे देश के अंदर समाजवादी व्यवस्था कायम करेंगे, जो मार्क्स ने की थ्योरी से लेनिन ने रूस में की थी, उसी व्यवस्था को अपने देश में कायम करेंगे। और वो आगे कहते हैं कि वो चीन के और रूस के भक्त बन गए, रास्ता भटक गए कि अपनी मातृभूमि पर किसी दूसरे विदेशियों के विचार को लाने की बात करने लगे। और आगे कहते हैं जो देशभक्त थे ये परदेश भक्त हो गए। हमने भी साथ ही क्रांतिकारी आंदोलन के जो पिछले वीडियो बनाए हैं मैंने, इसी दर्शन सीरीज में आप उनको सुन सकते हैं, जो गोलवलकर जी समझा रहे, इसी तरीके से हमने भी इतिहास को समझाया है कि शुरुआती जो दौर था जो धर्म आधारित था, और कांग्रेस के अंदर भी दो गुट थे, उसमें एक धर्म का था और एक धर्म निरपेक्षता का था। ये सारे आंदोलन को समझना है तो पीछे के जो वीडियो हैं क्रांतिकारी आंदोलन के, इसी सीरीज के पीछे हैं, उनको आप सुन सकते हैं ताकि आप पूरी चीज़ को समझ पाएंगे। तो जो क्रांतिकारी आंदोलन था, आखिरी में जो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, जितना भी पूरा क्रांतिकारी आंदोलन था, ये जो समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए आगे बढ़ा, इसका आरएसएस ने विरोध किया। इसलिए आप देखेंगे कि आरएसएस कभी भगत सिंह को अपना आदर्श नहीं बोलता, चंद्रशेखर आज़ाद को अपना आदर्श नहीं बोलता, इन क्रांतिकारियों को आदर्श नहीं बोलता आरएसएस, ये ध्यान रखना है। मगर शुरुआती जो क्रांतिकारी आंदोलन था, जो धर्म के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनके नाम लेता है, और उनके नाम के साथ से भगत सिंह का इनका नाम जोड़ करके कहता है कि ये भी हमारे साथ थे या हमारे क्रांतिकारियों के साथ थे। मगर ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों विचारधाराएं अलग अलग हैं, दोनों का समय अलग अलग है, जिसको सावरकर ही कह रहे हैं, ये भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगली हेडिंग आती है कांग्रेसी विध्वंस। इसमें पहले तो उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को बता दिया कि गलत दिशा में चला गया, तो एक गड़बड़ ये हो गई उनके हिसाब से। दूसरा फिर कांग्रेसी विध्वंस बता रहे हैं। इसमें वही कहते हैं वो आगे चल करके, जो इन्होंने धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से सभी संप्रदायों को लेकर के, सभी धर्मों को लेकर के जो मोर्चा बनाया लड़ने के लिए,
धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को लेके आए थे। तो इसमें जो हिंदू राष्ट्रीय जीवन की जो आरएसएस बात कर रहा था उसके ये अलग था, और इसी को वो कहते हैं कि कांग्रेस ही विध्वंस था, ये कांग्रेस ने गलत किया सभी को मिला करके सभी, क्योंकि हिंदू तो यहाँ के पहले से मातृभूमि के रहने वाले हैं, बाकी जो संप्रदाय हैं उनको मिला करके जो एक राष्ट्र बनाने की बात की, यह अवधारणा गलत थी। इस अवधारणा को गोलवलकर गलत कहते हैं। अगली हेडिंग आती है यहूदी, ईसाई और पारसी। इसके तहत गोलवलकर कहते हैं हमारे देश में यहूदी और पारसी जो शरणार्थी के रूप में आए थे वो हमारे राष्ट्रीय जीवन में मिल गए, यानी वो हिंदू धर्म के साथ जुड़ गए और उन्होंने मातृभूमि के साथ अपना प्रेम कर लिया। अब ईसाई के बारे में बात करते हैं और ईसाइयों के बारे में बताते हैं कि ईसाइयों ने जो है अपने अपने हिसाब से इन्होंने अलग अलग जगहों को चुना धर्म प्रचार के लिए, यानी ईसाई धर्म का धर्म प्रचार हुआ किया इस तरीके से बताते हैं। फाइनली कहते हैं कि ईसाई जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ उसके हिस्सा नहीं थे, क्योंकि ईसाई अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों से जुड़े हुए थे वो। अगली हेडिंग आती है नेतृत्व पर परीक्षा। इसमें कहते हैं अब मुसलमानों का सवाल आया, तो कहते हैं ये यहाँ पर आक्रांता के रूप में आए थे, पिछले 1200 वर्षों से वो अपने आप को विजेता समझ रहे थे। इसमें कहते हैं इनका विरोध केवल राजनीतिक भर नहीं था, इनका विरोध भी दुराग्रही था। और ये कहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग जिस वस्तु पर जिस चीज पर विश्वास करते थे मुसलमान उसके जस्ट उलट होते थे, वो उसका विरोध करते थे। जिसको कहते हैं हम मंदिर की पूजा करते थे वो मंदिर को अपवित्र करते थे, हम गौ पूजा करते थे वो गौ को खाना पसंद करते थे। इस तरीके से वो समझाते हैं कि वो हमारे धर्म के विरोधी थे मुसलमान, वह हमारी जीवन पद्धति के धार्मिक रूप से सांस्कृतिक सामाजिक रूप से सभी पक्षों का वो विरोध करते थे, ऐसा गोलवलकर कह रहे हैं। और इनकी संख्या काफी थी, मतलब हिंदुओं के बाद जो सबसे बड़ा कोई समुदाय था तो वो मुसलमान थे। और इसमें कहते हैं कि आखिरी में जो नेता थे उन्होंने मुसलमानों को भी राष्ट्रीय जीवन के इस हिस्से में समान रूप से उनको शामिल कर दिया, और ये कहा कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, और इसके लिए उन्होंने कहा कि वो अपनी मातृभूमि के लिए यानी आज़ादी के आंदोलन में हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर के अंग्रेजों से संघर्ष किया है, इसलिए वो भाई भाई हैं। इस तरीके से मिला जुला करके जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के साथ जो आगे की व्यवस्था बनी थी उसमें मुसलमानों को ईसाइयों को सबको इस देश का हिस्सा माना गया जो इस देश में थे। ये जो परिस्थिति बनी ये परिस्थिति सही नहीं थी, ये गोलवलकर कह रहे हैं। अगली हेडिंग आती आत्मघात के बीच बोना। अब इसमें वो कह रहे हैं कि एक्चुअल होना ये था कि जो मुसलमान थे उनको ये कहना था कि आप जो पुराने जिस तरीके से हिंदू थे तो आप मुसलमान न रहें, पहले आप हिंदू बने, पुराने राष्ट्रीय जीवन में वापस आ जाएं, ये कहना था, तभी वो भाई कहलाते। अपनी धर्म संस्कृति को, इस्लाम की जो धर्म संस्कृति है उसको छोड़ करके हिंदू धर्म संस्कृति को अपना करके जब वो यहाँ हमारे राष्ट्र में शामिल होते, हमारी संस्कृति का को आत्मसात करते, तब वो भाई भाई थे, ये एक्चुअल करना था, मगर इस तरीके से नहीं हुआ। उनको ये कहकर के कि आपकी स्वतंत्र जो संस्कृति है आप उसको चला सकते हो, यानी उनको कहा कि भारत देश के अंदर आप अपना इस्लाम धर्म भी चला सकते हो। ईसाइयों को कहा गया कि आप अपना ईसाई धर्म भी चला सकते हो। ये जो उनको धर्मों की चलाने की स्वतंत्रता दी ये गलत कदम था। उसके बाद से फिर एक कहानी बताते हैं, मौलाना आज़ाद थे, वहाँ पर किसी ने वंदे मातरम का गीत गाया तो उन्होंने उसको मना किया। यहाँ से साथियों समझना है कि एक टकराव शुरू हो गया था। अब हम यहाँ से देखेंगे कि जैसे ही हमारा राष्ट्र बना और आरएसएस की जो अवधारणा थी उस अवधारणा के आधार पर राष्ट्र नहीं बना पाया, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा आई, तो आप ये देखेंगे कि जो आरएसएस के लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र के लोग हैं, ये हमेशा एक विचारधारा लेके आते थे जिसके अंदर हिंदू राष्ट्र की कल्पना होती थी, और उस तरीके से जो इस्लाम के लोग थे, इस्लाम धर्म के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनके पक्ष में भी कुछ ऐसे मतलब अतिवादी लोग थे जो छोटी बात को बतंदर बना करके वो भी अपने धर्म के
हिसाब से उनको लगता था कि ये बात ठीक नहीं है उनके धर्म के हिसाब से, तो उसका विरोध करते थे। तो ये टकराव निरंतर शुरू हो गया था, उसी समय से शुरू हो गया। धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को आरएसएस ने स्वीकार नहीं किया और वो अपनी जो उनकी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा उसको ही आगे बढ़ाते रहे, उसके विचार को ही आगे बढ़ाते रहे। जब वो विचार जहां भी सामने आए तो उस विचारों के अंदर मुसलमानों को कोई स्थान नहीं है, तो उन विचारों का विरोध बहुत ताकतवर तरीके से मुसलमानों ने किया। तो हम ये देखते हैं कि आरएसएस का और मुसलमान जो संगठन के नेता थे उनका सीधा टकराव होता रहा इस विचार के कारण से, ये भी हमको ध्यान रखना है। इस प्रकार से कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एकता के नारे लगे, इसके आगे कहते हैं इसके कारण से हमारी जो राष्ट्रीयता हिंदू राष्ट्रीयता थी ये कहा जाने लगा कि अब हिंदू राष्ट्रीयता नहीं है, अब धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा है, और हमारा जो देश था जो हिंदुस्तान है अब इसको हिंदुस्तान के नाम से नहीं पुकारा जाएगा, इसको इंडियन कहा गया और इसको इंडियन राष्ट्र कहा गया, भारतीय कहा गया। भारतीय को भी आरएसएस नहीं स्वीकारता क्योंकि भारतीय शब्द के अंदर भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट आता है। जहां पर भी ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट आता है उस पूरी विचारधारा को आरएसएस नहीं स्वीकार करता है। ये मोटी एक लाइन है, गाइडलाइन है जिसको अपने दिमाग में रखना। अब अगली हेडिंग आती है कि हिंदू बलि का बकरा, और इसमें बहुत सारी चीजें बताती। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के सामने झुक जाएं, वो हमारी बेटी उठा ले जा रहे तो उठा ले जाने दो, इस तरीके से बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो मुझे पर्सनली भी लग रहा कि बहुत सारा इसमें भावनात्मक लिखा है लोगों को उत्तेजित करने के लिए। इस तरीके की कोई भी घटना कभी भी घटी है तो उसका विरोध हुआ है। कहा गया कि हिंदू का पूरा दुर्दशा कर दिया, हिंदू को बलि का बकरा बना दिया, हिंदू राष्ट्रीयता को खत्म कर दिया, हिंदू धर्म संस्कृति को नष्ट करने की तरफ बढ़ गए, इस तरीके से बहुत सारा इसके अंदर लिखा है। आगे भी लगा कि हिंदू मुसलमान यदि गाय काटें तो भी चुप रहो, कुछ नहीं कहना है। जो आज़ादी का आंदोलन था उसके अंदर ये भी कहा गया है कि बिना हिंदू मुसलमान की एकता के स्वराज नहीं आ सकता, और भी बहुत सारा लिखा है, इसको मैं अब छोड़ देता हूँ, काफ़ी लंबा लिखा है। अगली हेडिंग आती है कड़वे फल, इसमें कहते हैं कि जो हिंदू थे वो मुसलमानों के हाथों पराजित हो गए 1946 में, बहुत सारे लोगों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया गया, मुसलमान आक्रांताओं के सामने पराजय स्वीकार कर ली, और इसके बाद से पहली बार 1947 में हमने लड़ना छोड़ दिया, यानी देश आज़ाद हो गया था, तो उसका मतलब था कि देश जैसे ही आज़ाद हुआ उसके बाद हमने लड़ना छोड़ दिया। किस बात के लिए लड़ना छोड़ दिया? हिंदू राष्ट्र के लिए, और हमने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए पिछले 1000 साल से जो संघर्ष चल रहा था उस संघर्ष को समाप्त कर दिया। 1000 साल से संघर्ष किससे चल रहा था? विदेशी आक्रांता, विदेशी आक्रांता यानी मुसलमान, तो मुसलमानों से जो 1000 साल से संघर्ष चल रहा था वो संघर्ष हमने छोड़ दिया, और आक्रांताओं के सामने हमने सारे अपने अधिकारों को समर्पित कर दिया। बड़ा ही भावनात्मक लिख रहे हैं इसमें, हिंदू मुसलमान की एकता बना दी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये कह दिया। तो पहला जो 1000 साल से मुसलमानों के खिलाफ संघर्ष चल रहा था वो संघर्ष हमारा खत्म हो गया। इस तरीके से निष्कर्ष निकालते हैं गोलवलकर, जिसका हमको ध्यान रखना है। अगली हटेंगे बुरे कर्मों का बुरा फल, इसमें भी वही कह रहे हैं, वो जो पीछे कह रहे हैं वो दोबारा वही कह रहे हैं। अगला हटेंगे तुष्टिकरण से क्षुधा तीव्र होती है, इसमें उन्हीं प्रसंगों को बताते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को बड़ा सहयोग की, उनको अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश की, कांग्रेस के अधिवेशनों में बुलाने की कोशिश की। मिला जुला के था कि जो कांग्रेस का जो रुख था धर्मनिरपेक्ष वाला, जिसमें वो सारे पक्षों को अपने साथ जोड़ के आगे बढ़ना चाहते थे, उस पक्ष के बारे में और विस्तृत जानकारी देते हैं और इस पक्ष को गलत कहते हैं। और इसमें कहते हैं जितना ज़्यादा मुसलमानों को इन्होंने उनको संतुष्ट करने की कोशिश की उतनी ज़्यादा उनकी और अपेक्षाएं बढ़ी, जिनको कांग्रेस ने संतुष्ट करने की कोशिश की। अगला हेडिंग आती ध्वस्त घोष, इसके अंदर वो जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके बारे में बताते हैं, और जिस तरीके से उस समय अराजकता हुई थी उस अराजकता को बताते हैं। अगली हेडिंग आती है शोधक, ये जो पूरी घटना घटी, ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ, इसको कुल मिला करके वो गलत कहते हैं। सब बातों का निचोड़ यही है कि जो आज़ादी का आंदोलन था, आज़ादी के आंदोलन की जो लड़ाई थी,
आज़ादी का आंदोलन, देश आज़ाद होने के बाद जो नया संविधान का राज बना, संविधान के राज में जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा आई, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई ये नारा दिया गया, ये सारी अवधारणा आरएसएस के हिसाब से गोलबलकर के हिसाब से गलत थी। और अंत में फिर कहते हैं कि हमें फिर से उसी तरीके से एक राष्ट्र के रूप में खड़ा होना है, हिंदू राष्ट्र के रूप में खड़ा होना है। और पीछे जो हुआ इसको वो कह रहे हैं कि हमको मूर्ख बना दिया, हिंदुओं को मूर्ख बना दिया, हम मूर्ख बन चुके हैं और हमें अब इस कपट को समझ लेना चाहिए और हमको अपनी एक राष्ट्रीयता जो एक सनातन सत्य है की ओर पुनः लौटना चाहिए। हिंदू ही भारत के राष्ट्रीय होने के कारण से राष्ट्रीय शब्द का निर्माण किया गया, तब से हमारे पूज्य संस्थापक ने इसी रूप का, इसी तत्व का पुनः निरूपण किया। हमें एक बार पुनः हमें वास्तविक और पूर्ण आकार के रूप में उठ खड़ा होना चाहिए और साहस और दृढ़ता के साथ हमें ये कहना चाहिए कि भारत में हिंदू राष्ट्रीय जीवन का उत्कर्ष करते हुए वैभव और सम्मान के उस उच्चतम शिखर तक पहुंचाएंगे जो अति प्राचीन काल से इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके बाद यह अध्याय ही खत्म हो जाता है। साथ एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें छोटी सी बात है कि जो ये विचारधारा है ना, भाववादी दर्शन, हिंदू राष्ट्र की थ्योरी, ये हमेशा अपने हर चीज का जो इलाज है, उपाय है, वो अतीत में तलाशते हैं, पीछे तलाशते हैं, वर्तमान में किसी चीज को नहीं तलाशते, ये ध्यान रखना है। और जो दूसरा विचार है, जैसे समाजवादी दर्शन है, विज्ञान भौतिकवादी दर्शन है, ये दर्शन जो है अपनी सारी समस्याओं को वर्तमान में और भविष्य में तलाशता है। ये फर्क है विचारधाराओं में। अब इस वीडियो को साथ ही हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे अपील है करते हैं कि यदि आपने हमारे इसके पहले के वीडियो ना सुने हो विचार नवनीत के, तो उनको सुने। इसके पहले हमें और हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा के वीडियो हैं उनको सुने, उसके आगे हिंदुत्व की थ्योरी है सावरकर की उसको सुने, और हमारे प्लेलिस्ट में जाए दर्शन सीरीज का जो फोल्डर है उसके अंदर बहुत सारे वीडियो हैं उनको सुने, और भी प्लेलिस्ट हैं उनके वीडियो भी सुने। जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। अंत में निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि कोई सा भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसको सुन सको, सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग कर सकें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ हम इस वीडियो में अपनी बात खत्म करते हैं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।